जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश न होने की वजह से किसानों की धान की फसल हुई चौपट। वहीं फसल में लगाई गई लागत बर्बाद होने की कगार पर। बता दें कि बारिश न होने की वजह से किसानों की धान की फसल सूखने लगी है, जिसको लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है। धान की फसल सूख जाने पर कई किसान अपने धान की फसल की जुताई कर दे रहे हैं। वहीं पानी को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं सावन के महीने में भी धरती मानो आग के गोले की तरह तपती नजर आ रही है। अधिकांश किसानों के पास सिंचाई के साधन नहीं है, तो फसलों की सिंचाई के लिए वे दूसरों के ट्यूबवेल का सहारा ले रहे हैं। वहीं डीजल की महंगाई के चलते ऐसे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह धान के खेत की सिंचाई कर सके। पानी के अभाव में कई किसानों के धान की फसल सूखती नजर आ रही है। हाँ, अपने गांव का नाम बताइए और अपना नाम बताइए, और आपने मतलब अपना जो धान का फसल लगाया है उसमें मतलब अब तक कितना मतलब लागत आया है, और भराई सिंचाई कैसे मतलब कर रहे हैं, और बारिश न होने की वजह से मतलब किस कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है, बताइए। बारिश नहीं हो रही, इसके लिए हमारे धान में सूखे पड़ गए हैं, धान सूख रहे हैं। डीजल पे जला जला के मशीन इंजन से चला रहे हैं, चला के बेड़ को बचाए, बेड़ बचा के बाद धान लगाए, धान सूख जा रहे हैं। अच्छा। भगवान पानी गिरा नहीं रहे हैं। अच्छा, मतलब डीजल से खरीद करके आप इंजन द्वारा भराई कर रहे हैं? भराई कर रहे हैं। अच्छा, पर बिजली का सुविधा है नहीं, बिजली है लेकिन मोटर नहीं है। अच्छा, तो मतलब कितना अब तक खर्चा लगभग कर दिए होंगे आप धान? 10,000 रुपया लग चुका है। अच्छा, 10,000। हाँ, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं उसकी। सरकार से हम सूखाग्रस्त का राहत से आवेदन करते हैं कि वो हमारी समस्या का हल करें। अच्छा। और पानी की व्यवस्था करें, नहर में जो पानी नहीं देते नहर में पानी दें, ताकि किसान उससे खुशहाल रहें। ठीक है।